हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण के नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा कारक। और ऐसे बताऊंगा मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल सारी चीज़ें आपके एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप एक झटके से उसका आंसर पता कर लोगे। ओके, बिल्कुल ट्रिक से समझाता हुआ चलूंगा मैं आपको। पहले मैं उसका शाब्दिक अर्थ बताऊंगा और ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा कि किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, और आखिरी में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपर में। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक लिख लीजिए, क्या है हमारा टॉपिक? कारक। अब ये कारक किसको कहते हैं? तो सरल शाब्दिक शब्द में कहा जाए तो संज्ञा या स्वरनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। यानी कि चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो स्वरनाम हो। अब संज्ञा क्या किसे कहते हैं, तो मैंने आपको जब संज्ञा पढ़ाऊंगा तो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, और संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर किसी और चीज का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्वरनाम। तो संज्ञा या स्वरनाम का क्रिया के साथ जब संबंध बताने वाला कोई शब्द होता है तो उसको क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। आप तक कोई परिभाषा नहीं पूछी है, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कारक के टोटल आपके 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो टेबल आपके सामने मैंने पूरी रख रखी है, और जोन से आपके सामने देखो, एक तरफ मैंने लिख रखे हैं कारक और दूसरी तरफ लिख रखे हैं उसके विभक्ति। तो ध्यान रखिएगा, ये 8 कारक के जोन जोन से विभक्ति होते हैं, तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस भी वहां से पूछ लिए जाते हैं। अब इसको ध्यान कैसे रखना है, तो मेरे साथ पीछे पीछे दो बार बोलिएगा। पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, एक तरफ है कर्ता यानी कि कारक, और दूसरी तरफ उसके आपके विभक्ति। तो कर्ता का विभक्ति क्या होगा, ने। कर्म का, को। करण का, से के द्वारा। संप्रदान का, को के लिए। अपादान का, से अलग होना। आप ध्यान रखिएगा, से जो है वो आपका दो में आता है, एक तो अपादान में आता है और दूसरा आपका करण में आता है। देख सकते हो दोनों में से है, लेकिन आपका कारण जो होता है उसमें से के द्वारा, वहां पर से सिंपल वाला से होता है, लेकिन अपादान में आपका से वो वाला से होगा जहां पर कोई चीज अलग हो रही होगी। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो वो से क्या होगा, पेड़ से पत्ता जो हो गया वो अलग हो गया। तो अलग होने की विभक्ति जहां पर आए वो वाला होगा आपका अपादान। ओके, नेक्स्ट है आपका संबंध, जिसमें आपका का, के, की, रा, रे, री। ध्यान रखिएगा, का, के, की, रा, रे, री, ये विभक्ति आती है संबंध में। अधिकरण में आती है मे पर, और संबोधन में आती है हे, अरे, ओ। ओके, तो ये तो हो गया आपकी विभक्ति। अब इसको ध्यान में कैसा रखा जाए, तो मेरे पीछे दो बार बोलिए, तीन बार बोलिए, चार बार बोलिए लगातार कि कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, संपदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबोधन का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन ए, अरे, ओ। ओके, तो तीन चार बार इसको रिपीट करिए। कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, संपदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रे, रा, री, अधिकरण में पर, संबंध हे, अरे, ओ। 10 बार बोलोगे आप इसको, सारे तरीके से आपको रट जाएगा। जोन सा चिन्ह जिसके सामने होगा ना, वही आपको याद होगा। जैसे कि आप बोल सकते हो कि कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, संपदान का, को के लिए, अपादान से अलग होना, संबोधन का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ। तो देख सकते हो कैसे मेरे मुंह पर रटा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसको आप 10 बार बोलोगे ना तो आपको सारा का सारा टेबल याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, टेबल मैं इसलिए आपको दिखवा रहा हूँ, इसलिए चिन्ह बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि कर्ता का विभक्ति चिन्ह बताइए। तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने है। ओके, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इन टेबलों को। चलिए अब इन 8 को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये है क्या और उसके पीछे ट्रिक क्या है, वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो पहला हो गया आपका कर्ता कारक। अब ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, कर्ता अर्थात करने वाला, यानी कि जो भी आपका कर्ता होगा ना वो क्या होगा, करने वाला होगा। जैसे कि राम ने, अब यहाँ पर राम क्या है, कर्ता है, वो क्या कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा हो, चाहे वो खाना खा रहा हो, खेल रहा हो, किताब पढ़ रहा हो, क्रिया करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है। तो यहां पर क्या हो गया, कर्ता मतलब करने वाला यानी कि राम। अब सरल शब्द में बोल सकते हो कि वाक्य में क्रिया काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने कुछ नीचे लिख रखे हैं, लेकिन ये तो हो गया आपका सरल शाब्दिक अर्थ। अब हम इसको पहचाने कैसे, तो ट्रिक है इसकी। तो क्रिया के साथ हमेशा जो होगा वो प्रश्न में आएगा,
कौन। अगर प्रश्न में आपका कौन लगाया जाता है और वो प्रश्न पूरा बन जाता है और उसका उत्तर मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका कर्ता कारक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि लड़का खेल रहा है, अब यहां पर कर्ता की जगह आप क्या लगाओगे, कौन, कौन खेल रहा है। प्रश्न बन रहा है बिल्कुल सिंपल, कौन खेल रहा है, तो लड़का खेल रहा है। दूसरा, सूरज चमक रहा है, कौन चमक रहा है, सूरज। नेक्स्ट है आपका, पत्थर लुढ़क रहा है, कौन लुढ़क रहा है, पत्थर। अब यहां पर और कुछ भी लगा सकते हो तो आपका यहां पर नहीं होगा। देखिए, लड़का खेल रहा है, क्या खेल रहा है, अब यहां पर क्वेश्चन ही बदल गया कि क्या खेल रहा है, अब वो चाहे लूडो खेल रहा हो या कोई और गेम खेल रहा हो, तो लेकिन वहां क्वेश्चन बदल गया। अब यहां पर क्वेश्चन में हम पूछेंगे कि कौन खेल रहा है, तब पता चल जाएगा आपको सीधा सीधा लड़का खेल रहा है। तो यहां पर ट्रिक आपकी यही है कि कर्ता में हमेशा क्या कहलाएगा, आपका कौन से विभक्त होगा, मतलब आप उसमें कौन लगाओगे तो प्रश्न आपका बन जाएगा, और जब उसका उत्तर मिले, जो सही प्रश्न बनता है उसका उत्तर मिले, तो कहां पर होगा, आपका कर्ता कारक होगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस विभक्ति को। नेक्स्ट है आपका कर्म कारक। अब इसका सरल शाब्दिक अर्थ में कहा जाए तो व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति जो क्रिया करेगा उसका जो फल संज्ञा पे पड़ता है, यानी करने वाले पे पड़ता है, वो क्या कहलाता है, आपका कर्म कारक कहलाता है। अब इसकी ट्रिक क्या है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर हमेशा क्या का प्रश्न ढूंढोगे तो आपको क्या का प्रश्न मिल जाएगा। और मेन बात यहां पर यह भी है, ध्यान रखिएगा यहां पर आपका कर्ता भी होता है और यहां पर आपका कर्म भी होता है। तो जब भी आपके ऑप्शन में कर्ता और कर्म दोनों ऑप्शन हो तो वहां पर हमेशा कर्ता सही माना जाएगा। ओके, कर्ता में कभी भी कर्म नहीं होता, लेकिन कर्म में कर्ता भी होता और कर्म भी होता है। जैसे कि आपका मनोज समाचार पढ़ता है, तो यहां पर देखो कौन का भी आंसर मिलेगा और क्या का भी आंसर मिलेगा। इसलिए जब भी आपका कर्म कारक होगा वहां पर कर्ता कारक ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा आपका। ओके, तो मनोज समाचार पढ़ता है, तो मनोज क्या पढ़ रहा है, समाचार। मनोज क्या पढ़ता है, समाचार पढ़ता है। दूसरा, मनीष ने मनोज को पुस्तक दी, मनीष ने मनोज को क्या दिया, मतलब पुस्तक दी। नेक्स्ट है, गोविंद क्रिकेट खेल रहा है, गोविंद क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो जब भी आप क्या लगाकर विभक्ति करोगे तो आपको उत्तर उसका मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तो समझ लीजिएगा क्या है, कर्म कारक है। नेक्स्ट है आपका करण कारक। अब करण कारक का अर्थ क्या होता है, तो करण का अर्थ होता है आपका साधन, यानी कि कोई काम आप खुद ना करके किसी साधन के इस्तेमाल करके आप उस काम को करोगे तो वो क्या कहलाएगा, करण कारक कहलाएगा। शाब्दिक अर्थ में अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे को क्या कहा जाता है, करण कारक कहा जाता है। अब यहाँ पर विभक्ति यानी कि ट्रिक क्या है, तो जब भी आपको कैसे या किस से करने पर प्रश्न का जवाब मिले तो समझ लीजिएगा वो क्या कहलाएगा, आपका करण कारक कहलाएगा। शाब्दिक यानी कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि मैं साइकिल से बाजार गया, मैं कैसे यानी कि ध्यान रखिएगा किस से बाजार गया। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन लगा के देखिए, कैसे या किस से कुछ भी लगा के देखो, आंसर मिले तो समझ लीजिएगा। मैं साइकिल से बाजार गया, मैं किस से बाजार गया, तो साइकिल से। नेक्स्ट है, आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं, आजकल किसके द्वारा समाचार भेजे जाते हैं, तो किसके द्वारा भेज रहे हैं, आपके ईमेल के द्वारा। नेक्स्ट है, उसने किताब नौकर को द्वारा भिजवाई, तो उसने किताब किसके द्वारा भिजवाई, नौकर के द्वारा। तो यहाँ पर देख लो, कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें साधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो आपका साइकिल साधन हो या फिर ईमेल साधन हो या फिर नौकर साधन हो, हमेशा कोई काम क्या करवाता है, वो साधन की मदद से करवाता है, तो क्या कहलाएगा, करण कारक कहलाएगा। अगर आपको साधन ढूंढना नहीं आता है तो कैसे और किससे प्रश्न लगा के देखिए, निकल के आएगा तो करण कारक कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, या तो उसके लिए काम करेगा या उसे कुछ देगा, वो क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक कहलाएगा। कैसे पहचानेंगे, ट्रिक के माध्यम से, तो जब भी आप प्रश्न करोगे किसके लिए या किसको, तब आपको उसका आंसर मिलेगा तो समझ लीजिएगा क्या है, संप्रदान कारक है। कैसे, किसके लिए और किसको, देखिए क्वेश्चन एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे कि पहला, मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी, मोहन ने किसको अपनी पुस्तक दे दी, चौहान को, ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट है, वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है, वह किसके लिए दिल्ली आ रहा है, इलाज के लिए। नेक्स्ट है, वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया, वह किसके लिए हेतु कॉलेज गया, पढ़ने हेतु। तो यहाँ पर आपको किसके लिए या किसको जोड़कर देखोगे तो वहां पर आपको उत्तर मिले तो क्या कहलाएगा, आपका संप्रदान कारक कहलाएगा।
नेक्स्ट है आपका अपादान कारक। अब अपादान कारक में क्या होता है, तो वाक्य में संज्ञा स्वरनाम की जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी कि आपका वाक्य जो होगा संज्ञा या स्वरनाम, जिस रूप में आपको उसको अलग करोगे या तुलना करोगे तो वो जब भी कोई भाव प्रकट करेगा वो क्या कहलाएगा, अपादान कहलाएगा। जिसमें मैंने आपको बोला था करण कारक और अपादान कारक में सेम होता है, लेकिन विभक्ति करने पर उसमें क्या होता है, एक में नॉर्मल आता है और दूसरे में अलग होना आता है। तो वही आपका यहाँ पर पहचान है, ट्रिक है कि जो भी चीज जिस चीज से अलग हो रहा हो ना वही क्या कहलाएगा, आपका अपादान होगा। कारण में कभी भी अलग होना नहीं होता है। ओके, जैसे कि नल से पानी टपक रहा है, तो नल से पानी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अगला आ रहा है तो अलग हो रहा होगा तो कैसा आएगा, अपादान कारक। नेक्स्ट है पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से क्या हो गया, पत्ता अलग हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, अपादान कारक। नेक्स्ट है हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा क्या होगी, निकलकर अलग हो गई, तो क्या कहलाएगा, आपका अपादान कारक कहलाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपका अगलाव देखने को मिले तो क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाता है। नेक्स्ट है संबंध कारक, संज्ञा या स्वरनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा या स्वरनाम शब्द के साथ संबंध ज्ञात हो उसे क्या कहलाएंगे, संबंध कारक कहते हैं। तो ध्यान रखिए जब भी आपका संबंध उसके बीच में रिलेट आपका आ जाए तो क्या कहलाएगा, आपका संबंध कारक। यानी कि जिस चीज में आपका कोई संबंध देखने को मिल जाता है वो संबंध कारक कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये, आपका संबंध कारक और एक संबोधन कारक दोनों बिल्कुल सिंपल है। संबंध जब बीच में जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा, वो संबंध कारक कहलाएगा। ट्रिक आपका यही है कि उसके बीच में संबंध देखने को मिलता है। जैसे कि सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है, तो सिद्धार्थ का कॉलेज, अब यहां कॉलेज किसका है, सिद्धार्थ का, संबंध जुड़ गया। नेक्स्ट है श्रेया के पिताजी अध्यापक है, श्रेया क्या है, पिताजी है उनके, वो उनके पिताजी और वो उनकी बेटी है, संबंध जुड़ गया। नेक्स्ट है रोहन की बहन निकिता है, रोहन की बहन कौन है, निकिता है, संबंध जुड़ गया। तो जब भी आपका संबंध जुड़ रहा हो क्या कहलाएगा, संबंध कारक कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक, ये क्या होता है, तो संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि जब भी आपका कोई क्रिया होने के स्थान पर आपका समय की जानकारी मिलती है तो क्या कहलाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। अब इसकी पहचान कैसे करोगे, तो जहां पर भी आपका कहां या कब का प्रश्न का जवाब मिले तो वो क्या कहलाएगा, आपका अधिकरण कारक कहलाएगा। जैसे कि मेज पर किताब रखी है, कहां पर किताब रखी है, मेज पर। कमरे में अंधेरा है, कहां पर अंधेरा है, कमरे में। परीक्षा मार्च में होगी, कब परीक्षा होगी, तो मार्च में होगी। तो जब भी आपका कहां और कब का उत्तर दी मिला तो वो आपका क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक तो आपका एक बिल्कुल इतना आसान है, इतना सिंपल है, आप इसकी है ना परिभाषा भी मत पढ़ो, ट्रिक डायरेक्ट देख लो कि जब भी आपको संबोधन चिन्ह मिले, ध्यान रखिएगा चिन्हों से रिलेटेड आपका बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, तो चिन्हों का एक आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि हिंदी में कौन कौन से चिन्ह होते हैं। ओके, तो ये जो संबोधन चिन्ह आपको जहां पर भी जिस प्रश्न में या जिस एग्जांपल में देखने को मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका संबोधन कारक कहलाएगा। अभी संबोधन चिन्ह कौन सा होता है, तो देखा होगा आपने एक डंडी के नीचे हल्का सा बिंदु होता है तो वो क्या कहलाएगा, संबोधन कारक या संबोधन चिन्ह कहलाएगा। जैसे कि अरे भाई, उसके बाद क्या है, संबोधन चिन्ह है, मेरी बात तो सुनो, या फिर हे ईश्वर, संबोधन चिन्ह, मेरा मार्गदर्शन करो, ओ लड़के, संबोधन चिन्ह, इधर आ। तो जब भी आपको ये संबोधन चिन्ह देखने को मिल जाए वो क्या कहलाएगा, आपका संबोधन कारक कहलाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपका देखते ही आपको पता चल जाएगा, अगर आपका पूछा जाए तो आप एक लगा लो, बिल्कुल फ्री के नंबर आपको वहां पर इस चीज के मिलेंगे। ओके, तो ये थे आपके 8 कारक जहां से आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट हिंदी व्याकरण में। ओके, चलिए अब यहां से क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं लगा के देखते हैं एक बार। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि करण कारक का चिन्ह है, तो करण कारक का चिन्ह क्या होता है, तो मैंने आपको एक टेबल पढ़ाया था, क्या बोला था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो करण से या के द्वारा है, नहीं है, से है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता कारक का क्या होता है, दोबारा एक बार रिपीट करते हैं कि कर्ता ने, तो ने होता है आपका विभक्ति चिन्ह। तो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही देख के लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्रिया के करने के साधन को क्या कहते हैं? तो क्रिया के करने को साधन, यानी कि जहां पर भी आप साधन का इस्तेमाल करते थे वो क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था करण कारक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है, करण कहलाता है क्रिया के करने के साधन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया का जिस पर आपका फल पड़ता है वो क्या कहलाएगा आपका, कर्म, करण, संप्रदान या अधिकरण। तो देखिए क्रिया का करने का फल पड़ता हो, ओके, क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा कि जिस पर आपका क्रिया का फल पड़ता हो उसका पूछा क्या है। तो क्रिया का, देखो क्रिया का फल तो क्रिया ही कहलाएगा, मतलब कर्ता कहलाएगा, और जिस पर फल पड़ता है वो क्या कहलाता है आपका, कर्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है, कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? तो क्रिया करने वाले को क्या कहता था, कर्ता कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो ये कुछ आपके बीच में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, वो मैंने आपको करवाए हैं। बाकी आपके क्वेश्चन जो चिन्हों के हिसाब से आप पहचानने की कोशिश करोगे तो उनको आप आराम से पहचान लोगे, तो वो रटे रटाए क्वेश्चन है, वो आपको मैंने एड ऑन नहीं करे इसमें। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना करिए भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट जरूर रीड आउट करता हूं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।